नमस्कार, किसान तक के विशेष प्रोग्राम किसान तक न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। किसान तक न्यूज रूम में आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं, जिनकी एक पहचान किसानों के सशक्त नेता की रही है। किसानों के बीच आप काफ़ी लोकप्रिय हैं और लंबे समय से किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार वीएम सिंह जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। शुक्रिया, थैंक यू। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल MSP से जुड़ा हुआ बात करेंगे। आप MSP की गारंटी को लेकर सक्रिय हैं और आपका संगठन गांव-गांव आंदोलन चला रहा है। आप ये मानते हैं कि वो आंदोलन जो है किस रूप में आगे बढ़ेगा, और आखिरकार ये MSP गारंटी की मांग आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये कृषि प्रधान देश है। इस देश के अंदर 200 साल पहले, 250 साल पहले या 300 साल पहले, मुझे मालूम नहीं, याद नहीं है, हम पढ़ते थे, आपने पढ़ा है कि सोने की चिड़िया था ये देश। उस समय ना अडानी था, ना अंबानी था, ना टाटा था, ना बिरला था, ना डालमिया था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था, इंडस्ट्री थी नहीं। किसानों के बलबूते के ऊपर ये देश चलता था और किसान खुशहाल था, सोने की चिड़िया थी, तो लूटने हमें आ गए थे लोग। आज उसी देश के अंदर किसान का ये हाल है कि उसके बच्चे खेती नहीं करना चाहते। आप में यहाँ बहुत लोग होंगे यहाँ पर जो किसान परिवार से हैं, पर कहीं ना कहीं छोड़ के आ गए, क्योंकि खेती मुनाफे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। इसलिए आज की तारीख के अंदर जो है, अगर किसान को, बच्चों को जीविका देनी है, उनको नौकरी तो मिलती नहीं है, कोई कहे 2 करोड़ नौकरी, कोई कहे 1 करोड़ नौकरी, नौकरी नहीं मिलती किसी को। जिनके पास थी वो भी चले गए, नोटबंदी में चले गए या किसी और में चले गए, छोड़ो। पर आज हकीकत यह है कि अगर MSP की गारंटी मिल जाती है तो कम से कम एक जीविका सुरक्षित हो जाती है किसान के बच्चों की। आज विदेश जा रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ से। अगर आप, पता नहीं यहाँ पर कितने होंगे पुराने जो, जिनको मालूम होगा या आप लोग पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो युगांडा के अंदर अदी अमीन थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था, जो हिंदुस्तानी यहाँ से बहुत गए थे, जैसे आज कनाडा भाग रहे हैं ना, कनाडा 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 भाग रहे हैं, वैसे युगांडा युगांडा होता था, अफ्रीका अफ्रीकन कंट्रीज में लोग जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि सबको वहाँ से निकाल दिया गया, जब यहाँ पर आए तो शरणार्थी बन गए। ऐसा दिन ना आए कि आज 30-40 साल बाद जो बाहर जा रहे हैं उनको भी निकाल दें, घर में जो प्रॉपर्टीज थी वो बेच के जा रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ज़मीन नहीं रहेगी, जायदाद नहीं रहेगी, वहाँ से भी जब निकल जाएंगे, बुढ़ापे में वापस आएंगे तो क्या करेंगे। वही हाल था जो युगांडियंस का हुआ था, वही बर्मा से जो लोग आए थे उनका हुआ था, बहुत बारी ये हिस्ट्री रिपीट करती है। तो मेरा यह है कि MSP की गारंटी अगर मिल जाती है तो किसान को कम से कम एक सुरक्षित जीविका मिलेगी। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आज इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा धान लगाते हैं, फिर गेहूँ है, पहले धान है। धान की MSP अगर 2300 रुपये के आसपास क्विंटल की है, आज बिहार में आप जाते हैं 1000 से लेकर 1200 रुपये क्विंटल बिकता है। आप ईस्टर्न यूपी में जाते हैं, वहाँ से जब निकलते ईस्टर्न यूपी में आते हैं, 1300-1400-1500 मिल गया तो गंगा नहा लिए, नहीं मिलता। रोहिलखंड में 1500-1600 के आसपास मिलता है, और पश्चिम में आते हो तो उसी धान का रेट आपको 1700-1800 मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि साइड पे हरियाणा लगता है, वहाँ से स्मगल करके ले जाते हैं। पर अगर यही चीज़ एक गारंटी मिल जाती है, अगर 2200-2300 रुपये मिलता है, 1500 भी लगा लो आप, तो 800 रुपये का फ़र्क पड़ गया एक क्विंटल के पीछे, 800 का फ़र्क पड़ा, तो कम से कम 20 क्विंटल धान होता है, 20 से लेकर 30 क्विंटल तक होता है एक एकड़ में। तो आपको 15000 रुपये का अगर फ़र्क पड़ गया एक एकड़ में, तो 5 एकड़ वाले को 75000 का फ़र्क पड़ गया। वो 75000 तो मारा जा रहा है, 6000 आप दे देते हो किसान सम्मान योजना में और ताली पिटवा देते हो। मेरा 75000 लेने के बाद आप 6000 दे रहे हो, और वहाँ से ताली भी हो रही है, नहीं भी हमें वोट भी दे, हमने काम कर दिया, अब 6 का सोना 9 होने वाला है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसके छोड़ते हुए पूरा का पूरा, आज MSP की गारंटी मिल जाएगी तो कम से कम एक आदमी को फ़ायदा होगा। इसमें भी दो पहलू हैं, आप पूछे या नहीं पूछे मैं आपको बताता हूँ। लोग कहेंगे भी ये कृषि प्रधान देश है, 86% लोग तो 2 एकड़ 3 एकड़ वाले हैं, MSP की ज़रूरत उनको है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। अब MSP किस चीज़ की? अकेले धान की नहीं, गेहूं की नहीं, सरसों की नहीं, दालों की नहीं, MSP हो दूध की,
एमएसपी हो फल की, एमएसपी हो सब्जी की, जो 2 रुपये किलो प्याज वहाँ नासिक में, पीपल गांव में, लासन गांव के अंदर जो मंडियाँ, बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर अगर मिल रहा है, यहाँ पर आके 40 रुपये किलो होता है क्यों? वहाँ एमएसपी दो, यहाँ एमआरपी दो, ये मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस, किसान का भी भला हो। वहीं आज जैसे मैंने कहा कि 2 एकड़ वाले, 1 एकड़ वाले, 3 एकड़ वाले या 2 बीघे 3 बीघे वाले बहुत हैं, नहीं हैं तो हो जाएंगे, बाप अगर गुजर जाता है तो 4 बच्चे हैं, बच जाता है तो जोत कम हो जाएगी, वो क्या करते हैं? आपको लगता है कि 1 एकड़ 2 एकड़ में आदमी अपने गुजारिश कर सकता है, अपना गुजारा कर सकता है? गुजारा नहीं कर सकता वो आदमी। क्या करता है उसके अंदर? पशु के लिए चारा उगाता है और 4 पशु घर में हैं, दूध देते हैं, दूध बेचता है, तो उसमें उसकी बीवी भी काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं, सब काम करते हैं, जो दूधिया जो है दूध लेके जाता है तो घर का गुजारा चलता है। आज हम गौ माता बोलते हैं, गाय का दूध हिंदुस्तान में बहुत जगह पानी की बोतल से सस्ता बिकता है, उसकी भी एमएसपी चाहते हैं। अगर एमएसपी होगी तो कम से कम गुजारा हो पाएगा। आज खुराक खिला रहे हैं वो गाय को, और जब दूध ही ना बिकेगा तो खुराक कहाँ से खिलाएंगे? आज आपने देखा गांव-गांव के अंदर जो है इनको बाहर छोड़ दिया जाता है, जो दूध देती हैं लैक्टेशन पीरियड में है बहुत अच्छा है, जो दूध नहीं दे पाती हैं, जो सूख जाती हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, खिलाने के लिए पैसा नहीं है। जो 6ठे ब्याज की, 7ठे 7 ब्याज की हो जाती है, उन्हें छोड़ देते हैं उनको, उनका नतीजा क्या है? बाहर पड़ी है। अगर मालूम चल जाएगा कि दूध का रेट इस रेट से कम नहीं होगा तो किसी और की छुट्टी हो गाय में अपने घर में बांध लूँगा मैं। ये आज जो पूरा मिसमैनेज है पूरा का पूरा मामला। इसलिए एमएसपी गारंटी फल में भी, सब्जी में भी, अनाज में भी, दूध में भी अगर मिल जाती है, कृषि प्रधान देश है, क्यों इसमें हिचकते क्यों हो करने के लिए? भाई आज 75 साल हो गए जो सरकार आती है एमएसपी गारंटी की बात करती है, पर कौन दे रहा है? इसलिए गांव-गांव में जो हमारा आंदोलन था पिछला, उसमें जो आंदोलन पहले हुआ था 2020 के अंदर, अब जब मैंने डिक्लेयर किया था कि 25-26 को दिल्ली चलो, उसके 9 अगस्त को हमने, उससे पहले 9 अगस्त को ये था, 27 अक्टूबर को 2020 को, उससे पहले 9 अगस्त को जब क्रांति दिवस था तब मैंने कहा था दिल्ली चलेंगे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से उसके संयोजक होने के नाते। उसके बाद में राजेवाल जी ने, गुरनाम सिंह जी ने इन सब ने मिलकर कहा कि नहीं हम लोग जो हैं एक बंद करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ उसमें कॉल दिया था कि 25 सितंबर 2020 को पहली बार किसान देश बंद करेगा, भारत बंद होगा किसान द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, इंटेक का होता है, फलां का होता है। हमने कहा नहीं, किसान बंद करेगा कि हमें जीविका चाहिए, उस पर अलग बात है। मैं नाम बता दूँ, राकेश टिकैत 2 दिन पहले चले गए योगी के पास, 23 सितंबर को योगी ने ट्वीट किया और कहा कि नहीं ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, पर हुआ, बंद हुआ, बहुत भयानक हुआ। हमने तो उसको मना कर दिया था लेने के लिए और ना ही लिया आखिर तक, वो तो गवर्नमेंट ने प्लांट कर दिया बाद में, उसको कैसे प्लांट किया वो अलग बात है। पर उसके बाद में जो है हम लोगों ने इस तरह से किया कि एमएसपी की बात वहाँ करी। जब 25 सितंबर के बाद मुझे न्योता आया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आपसे वार्ता करना चाहते हैं, हमने कहा प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे या अमित शाह जी से करेंगे, तीसरे आदमी से वार्ता करने का फ़ायदा नहीं है, आपके पास, मेरे पास तो टाइम हो सकता है, आपके पास टाइम नहीं है तो फ़ायदा नहीं है वार्ता करने में मंत्रियों के साथ। खैर अमित शाह जी उस समय मेधांता में थे, बीमार थे, 2020 की बात है, सितंबर की बात है, कोरोना था जो भी था उनको, फिर एम्स आ गए थे, मेधांता गए थे, आपको मालूम उस समय था उनका। तो मुझे कहा गया कि तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह जी, उनसे बात करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, राजनाथ सिंह जी तो एमएसपी के पैदाइश हैं। बोले कैसे? मैंने कहा जब हमारा आंदोलन था 2020 में, रामप्रकाश गुप्ता जी उस समय मुख्यमंत्री थे और 7 दिन हमारा आंदोलन था, ट्रेन रुक दी थी हमने पूरनपुर पीलीभीत से, ट्रेन रुक गई थी। पूरी कहानी को अब आगे समझेंगे, 2000 का जो आंदोलन का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल जो मौजूद होता है आपके अगले कदम की, मैं जीपी सिंह जी से पूछूंगा कि अगला कदम जो आपका क्या है। बीएम सिंह जी, आप एमएसपी गारंटी कानून को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं और पिछले साल मैंने देखा था आप अपने गाँव में
बहुत से किसान संगठनों को एकजुट करके हर घर MSP का नारा दिया था और मैं उस आंदोलन में भी गया था। और आपने कहा था कि यदि ये MSP गारंटी कानून नहीं लागू होगा तो हम आंदोलन करेंगे और 2024 वोट नहीं। और ये भी आपने कहा था कि हम लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे यदि MSP गारंटी कानून यदि सरकार नहीं लाती है तो हम इसको मांग मंगवाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। तो क्या वो आंदोलन की कुछ रणनीति तैयार हो रही है क्या हम MSP गारंटी कानून जिससे किसानों को मिले? पहले तो आंदोलन क्या होता है? आंदोलन ये नहीं होता कि रोड पे आके लोगों को नाश करना, लोगों को तंग करना या अपनी बात मनवाना। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, जब आपको याद है चोरी चोरा के अंदर 17 पुलिस वाले या 16 पुलिस वाले जितने मर गए थे तो उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया था। आंदोलन क्या था? अंग्रेजों देश छोड़ो। वही हमारा कहना यह है कि आंदोलन जो है, आपने जैसे कहा कि आप पंजाब खोड़ गांव में आए थे 6-7-8 अक्टूबर को 2022 को, उस समय हुआ था हर घर MSP, गांव गांव MSP, फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा। और आंदोलन उस दिन छिड़ गया था गांव से ही कि देश के हर गांव के अंदर यही होगा, होर्डिंग लगेगी बकायदा कि गारंटी नहीं, MSP गारंटी नहीं तो वोट नहीं। तो कम से कम एक माहौल बनाना है, क्योंकि आज हकीकत यह है जब हमने दिल्ली में भी आंदोलन चालू किया था आखिरी में हमारे हाथ से निकल गया था। ऐसे तत्व आ गए थे जो आंदोलन का क्या हाल हुआ। और मेरा आप देखोगे, मैंने आंदोलन उस समय भी कहा था अगर मोदी जी को सपना आ जाए, आज तक पे देखोगे हर चैनल पे देखोगे आप, मैं कहा मोदी जी का सपना आ जाए और ये बिल्स वापस ले लें तो हमें क्या मिलेगा। बिल में क्या मेन डिफेक्ट था? APMC ख़त्म हो रही थी, APMC की मंडियाँ ख़त्म हो रही थी। हमने कहा MSP की गारंटी मिल जाती है अगर तो मंडी हो या नहीं हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वही मैंने राजनाथ, जब उस समय राजनाथ सिंह की बात मैं कर रहा था तब वही मैंने राजनाथ सिंह जी से कहा, राजनाथ सिंह जी थे, तोमर जी थे, 2 घंटे बात हमारी हुई, मैं अकेला नहीं था, 5 आदमी हमारे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 5 आदमी थे और मीटिंग हुई। उस समय मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर आप हमें MSP की गारंटी दे देते हो, ये तीनों बिल इंफ्रक्चर्स हो जाते हैं, सरकार की भी बात रहेगी, किसान का भी काम हो जाएगा, भला हो जाएगा, दे दो ना। और हमने उनको प्राइवेट मेंबर बिल भी पकड़ाया था, 30 सितंबर की बात है, पर उनको लगा कि नहीं, VM सिंह तो अलग रास्ते पर जा रहा है, ये तो किसानों की बात कर रहा है, हमें तो किसानों की बात नहीं करनी, केवल लटकाना है, क्या करना है, जो भी कारण हो मुझे नहीं पता क्या कारण था, पर उन्होंने क्या किया, मेरी तबीयत भी खराब थी, कोरोना हो गया उसके बाद में जब सबको बुलाया, पर जहाँ उनको दिखा कि नहीं भाई यहाँ पर तो गुंजाइश है अंदर घुसाने के लोगों को, आपको याद होगा बुरारी में भी अगर आप लोग आए होंगे, जब इनने कहा था बुरारी में आ चलो जो बुरारी में होगा उनसे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पूरा बुरारी में था, कहीं बाहर नहीं था, केवल राकेश टिकैत गाजीपुर में पुल के नीचे बैठे थे 50-60 आदमी। जब हमने वहाँ कहा, हज़ारों लोग थे, हमने कहा हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, वार्ता कर रहे हो बाकी लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा धान पैदा करता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा करता है, गन्ना MSP में नहीं आता अलग बात है, गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा करता है, और हमें जो तुम बुला नहीं रहे हो, हमें मतलब मैं VM सिंह को नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश तो तुम बुला नहीं रहे हो, बाकी सबको बुला रहे हो, पंजाब और हरियाणा दोनों को मिला लें तो हमारा उत्तर प्रदेश का हमारा धान होता है। तो ये क्या तमाशा है? ये 3 दिसंबर की बात है, उसके बाद में 4 घंटे के बाद राकेश टिकैत को बुलाया जाता है तोमर जी के द्वारा जो मंत्री हैं, और उनको मीटिंग में अगले दिन दाखिल कर दिया जाता है। ये बैक हैंडेड अप्रोच थी उनको लाने की। तो अब आंदोलन की जो आपने बात करी, एक तो ये आंदोलन हुआ, हमारा मकसद क्या था MSP आंदोलन का था उस समय भी, और ये आज से नहीं चालू हुआ, ये चालू हुआ 2017 के से, 2000 में तो था जो एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ा और राजनाथ सिंह जी आए, तभी मैंने कहा पैदाइश उसकी है क्योंकि राम प्रकाश गुप्ता जी गए। सर हम उसको उस कहानी को सुनना चाहेंगे, उसी कहानी को सुनाएंगे, कंप्लीट कर लूँ एक बार इसको। राम प्रकाश गुप्ता जी गए और राजनाथ सिंह जब आए उन्होंने कहा कि जो VM सिंह कर रहे हैं आंदोलनकारी जो कर रहे हैं हम उनकी बात मानने को तैयार हैं, फूड कमिश्नर को भेजा, और पहली बार उत्तर प्रदेश में MSP पे खरीद चालू हुई उस समय 25 अक्टूबर 2020 की बात है। तभी मैंने राजनाथ सिंह जी से कहा, मैंने कहा आप तो MSP की देन है, लागू कर दो ना, 20 साल हो गए इस बात को, यही चीज़ 20 साल बाद भी होगी,
होना तो है, पर किसान को तबाह क्यों कर रहे हो, नुकसान क्यों उसका हो रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं ये हिस्ट्री है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, और आज भी अगर कुछ भी होता है, आपको याद है 2018 के अंदर, मैं आप बोलना चाहते हैं पर मैं कंप्लीट कर लूँ एक बारी, 2018 के अंदर 17 में जब मंदसौर में 6 लोगों को गोली मार के मार दिया गया था, उसमें से अभिषेक भी था, अभिषेक पाटीदार 16 या 17 साल का था, गोली मार दी थी पॉइंट ब्लैंक पुलिस वालों ने। हम मंदसौर गए, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति मैंने चालू करी, सबको मैसेज भेजा, दिल्ली में चालू की। उसके बाद में 10,000 किलोमीटर देश में घूमे कम से कम, बाय रोड, प्लेन में अलग घूमे, क्योंकि अगर आपको मणिपुर जाना है, आपको मेघालय जाना है, तो बाय रोड नहीं जा सकते। बाय रोड हम घूमे, ट्रेन में अलग घूमे, प्लेन में अलग घूमे, और हमने 17 में पहले एक यहाँ पर संघर्ष किया, 18 में सबको बुलाया, जब सबको बुलाया तो पहली बार ऑपरेशन यूनिटी की बात तो हमने चालू करी ना उस समय। अच्छी तरह मुझे याद है उस समय अरविंद केजरीवाल आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी उस मंच पे था। उन्होंने कहा पहली बार मैं मिलूंगा तो मुझे कुछ बोलना दे। मैं कहा हमारे होते कोई किसी को नहीं बोलेगा, शरद पवार भी थे, मतलब जितने आज ऑपरेशन लीडर 6-7 तो चीफ मिनिस्टर्स हैं, सब वहाँ पर थे। और हमने उनसे कहा था कि आप MSP की गारंटी हमें इंश्योर करिए अगर आप लोग आते हैं 19 में। उसी से डर कर या उसी से घबरा कर या उसी के दबाव में मोदी सरकार ने 10 दिन के अंदर अंदर सम्मान योजना चालू करी थी, कृषि सम्मान योजना। मैंने कहा, रिपीट कर रहा हूँ, डर के हो जो भी हो या उनसे उनको सीख मिली हो, उनने चालू कर दी, जिसके कारण एक तरफ किसान को लग गया नहीं मुझे पैसा मिल रहा है। बट ये बहुत पुरानी चीज़ है MSP की, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार भी कि इसको ढंग से किया जाए। और आंदोलन की बात ख़त्म करूँ आपकी, जो आपने कहा था कि कैसे शुरू करोगे, अब क्या करोगे, आंदोलन तो शुरू उस दिन हो गया था जब आप आए थे आंदोलन में। अब वो गांव-गांव के अंदर कैसे बैठेगा उसको देखना है। 8 महीने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, काम चला नहीं, अब चालू हो गया है। अभी 2 दिन बाद ही मेरठ में है, कुछ दिन पहले चरखी दादरी में था, बहुत अच्छी थी, भीड़ भी थी, सब कुछ था, बहुत बढ़िया था। MSP गारंटी किसान मोर्चा के नाम पर ही हो रहा है, तो ये चालू हो चुका है। अभी कुछ दिन में तमिलनाडु में जाना है 2 दिन के लिए, ये हर कहीं फिर से महाराष्ट्र हो चुका है, छत्तीसगढ़ हो चुका है, उत्तराखंड हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 4 मीटिंग हो चुकी हैं, ग्रेटर नोएडा में हो चुका है, मतलब जहाँ जहाँ होता है हम लोग कर चुके हैं। एक नींव डल रही है, और नींव डल जाएगी तो इमारत बन जाएगी। पर आंदोलन इस बार ही होगा गांव-गांव से। आंदोलन कैसे होगा, माहौल बनाने का होगा। सुबह प्रभात फेरी कर लो, शाम को शाम की फेरी कर लो, जो आपको करना कर लो। आपको याद होगा जब ये राम मंदिर की बात थी, 1990 की बात है, आंदोलन कैसे उठा था, गांव-गांव से उठा था, प्रभात फेरी से उठा था। क्यों नहीं मिलेगी, राम का देश है भाई। बिल्कुल, जिस तरह भाजपा ने सत्ता हासिल की उसी तरह किसान भी अपना इसी तरह सत्ता हासिल करेंगे। मेरा बड़ा उसमें विचार थोड़ा फर्क है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, हमें सबने लूटा है, किसानों को सबने लूटा है। पर उसमें यह है कि जहां से हमें कुछ मिलता है क्यों नहीं लेंगे, और जो सत्ता में उसी से लेंगे। ये बहुत हो चुका, हम लोग जो हैं आज तक 75 साल में खूब बेवकूफ बन चुके। जो ऑपोजिशन में होता है हमारे धरने पे आ जाता है और कहता है मेरी सरकार बनेगी मैं करूंगा। जब सरकार बन जाती है कन्नी काट लेता है, अब जब सरकार वाला ऑपरेशन में आता है वो साथ बैठ जाता है हमारे। हम तो ऑपरेशन को ढूंढो के थक गए ना भाई, यही हो रहा है। इस बार यह है कि नहीं, जो है वही दे, MSP नहीं तो वोट नहीं। लोग इस पे कहेंगे कि भाई वोट नहीं तो तुम किसी को जिता रहे हो, हरा रहे हो। नहीं भाई, हमें अपने मुद्दे से मतलब है, अपनी जीविका से मतलब है। बिल्कुल, आपने MSP पर बहुत विभागी से अपनी बात रखी, साथ ही आपने 2000 का जो मैं आंदोलन था, जो मेरा सवाल था, उसकी कहानी भी आपने पूरी बता दी। आपने AI के SSC की का गठन की भी कहानी बता दी कि कैसे मंदसौर गोलीकांड के बाद आपके नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी थी, जिसके आप संयोजक थे। मैं सर यही जानना चाहूँगा कि ये समिति ही SKM बनी,
उस SKM की शुरुआती कहा जाए तो उस जो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके शुरुआती जो नेताओं में से आप हैं जिन्होंने उस आंदोलन को शुरू किया था, हम जानना चाहेंगे शुरू से लेकर अंत तक आखिरकार वो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ जिसमें AIKKSC थी फिर SKM बनी, कैसे वो आंदोलन शुरू हुआ, शुरुआती दौर पर कैसे आप सब लोगों को लामबंद किया गया? देखिए ऐसा है, ये मुझे अब डेट से याद नहीं है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन कल आ रहा है और नोटिफिकेशन आने के सेम डे पहले आप हिंदुस्तान देखेंगे अखबार, उसमें एक बड़े किसान नेता बड़े सरकार ने कर दिया राकेश शिकायत का बयान आता है, और जो मैं कह रहा हूँ पूरा एक एक चीज़ पूरा उसका सबूत है, उसका बयान आता है कि टिकैत साहब की आत्मा को शांति मिलेगी, हम जो चाहते थे दे दिया सरकार ने, बहुत बढ़िया है। मैंने दो दिन बाद तीन दिन बाद लेख लिखा, मैं कहा देखो इसके आने से हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, और वो लेख एक अखबार में नहीं सब अखबारों में छपा, हिंदी अखबारों की बात करें सब में छपा, एक माहौल बना। उसके बाद में कोरोना बहुत भयानक था उस समय, कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा इन्होंने पता था, हम लोग घर से नहीं निकल पाए थे, महीना महीना नहीं निकल पाए थे, पर किसान उस समय भी अपनी खेती में लगा था, देश का पेट पाल रहा था, पेट भर रहा था, बहुत अच्छा है। जब ये थोड़ा थमा, उस समय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति AIKSCC जो से आप कहते हैं, हम लोगों ने तय किया कि नहीं, कोरोना में भी हम लोगों की जूम मीटिंग्स होती गई और किसानों को और संगठनों को साथ लेकर चलना चालू किया। हमारे पास मेरे ख्याल 258 संगठन थे जहाँ तक मुझे याद है, तो हमने जब कॉल दिया, मैंने आपको बताया कि क्रांति दिवस के दिन मैंने कॉल दिया था, मैं संयोजक था और मेरा ये आदत थी कि क्योंकि कोरोना था तो 5-6 लोगों से पूछ के, भाई मेरे बाद राजू शेट्टी एक बड़े नेता थे उनसे पूछ लो, 2-4 और से पूछ के बात करके कंसेंसस करके और ऐलान कर दो क्या करना है। तो हमने जूम मीटिंग करके सबको बुला लिया, वर्किंग ग्रुप को बुला के, और ऐलान कर दिया कि नहीं भाई हमें दिल्ली के अंदर इसके खिलाफ जो है 25-26 को आना है। और 25-26 नवंबर क्यों हमने ऐलान किया, क्योंकि हर साल उससे पहले दो दिन के लिए हम दिल्ली आते थे, 18 मंदसौर के बाद 18 में भी आए, 19 में भी आए, 19 में मावलंकर हॉल में दो दिन का हमारा था इलेक्शन के बाद, 20 में तो कोरोना हो गया, फिर 22 का था कि 22 को आना है, तो 25-26 डेट डिक्लेयर कर दी। उसके बाद में ये सब होने के बाद जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए कि हमने ये बंद करो ये करो वो करो, एक माहौल बनाने की बात करी, जब तक माहौल नहीं बनता काम चलता नहीं है। फिर हमने जो है एक स्टेज आई कि पंजाब के अंदर हमारे पास 13 यूनिट्स थे, 13 ऑर्गेनाइजेशन थी, ये 32 लोग बैठ गए पंजाब में, ये हमारे 13 भी उनके साथ बैठे थे, बहुत अच्छा है करो आप जो कर रहे हो करो, मुद्दा वही था सब कुछ वही था। गुरनाम ने क्या किया, गुरनाम सिंह ने कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग बुलाई कि हाँ, और उनने अपना डिक्लेयर कर दिया कि 3 नवंबर को हम भारत बंद करेंगे। मुझसे बात करी, मैंने कहा देखो ऐसे मत करो, तुम लोग साथ ज्वाइन करके हम इकट्ठा करें, किसानों की बात है तुम्हारे, ना घर की बात है ना मेरे घर की बात है, इकट्ठी करें। उस पर एक हुई कंसेंसस हुआ कि कुरुक्षेत्र में एक धर्मशाला जात धर्मशाला के अंदर एक मीटिंग बुला लो, तो गुरनाम ने बुलाई जिसमें राज्यवाल जी भी आए, बाकी 25-30 संगठन के नेता भी पहुंच गए। तो वहाँ पर मैंने कहा भी देखो ये तो गलत है, पर ये डिसाइड हुआ कि एक काम करें दिल्ली में आप बुला लो, मैं दिल्ली में बुला लो, मैं कहा जब 250 संगठन एक साइड हैं उनको बुला लें, हम एक कंसेंसस से बात कर लेना, जो एक बात हो जो सबकी बात में आ जाए, आप अलग चलो तो फिर तीसरा फ़ायदा उठाएगा उसका, पहली बार किसान को इकट्ठा कर रहे हैं तो एक थोड़ा कुछ हम में से बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं तो एक ढंग से करने काम तो फ़ायदा होगा उस चीज़ का। तो दिल्ली में 27 अक्टूबर को हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, हमने क्या AIKCC ने बुलाई, और उसमें सब जितने लोग थे 250-300 प्रमुख लोग थे सब पहुँचे, और राज्यपाल भी आए, इनके पंजाब के लोग भी आए, इनने मना कर दिया कि नहीं हम लोग साथ नहीं चलेंगे, नहीं चलो। खैर बाद में मनाने के बाद सबको रोकना मनाना चलता रहता है,
मनाने के बाद ये तय हुआ कि ठीक है हम तुम्हारी बात भी मान लें, तुम हमारी बात भी मान लो। तो 8 नवंबर जो किसी ने सुना नहीं होगा, 8 नवंबर को भारत बंद उनका भी हमने मान लिया, और उसके बाद 25-26 को जो हमारा है तुम भी मान लो। तो सब बैठ के फिर हमने एक संयुक्त मीटिंग पांच मेंबर कमेटी बनाई। चार मेंबर कमेटी थी, तो मैं तो था, राजू शेट्टी, दो हम लोग किसी से थे, दो हमने कहा बाहर के ले लें। तो ये पूरा रिकॉर्डेड है, जिसको देखना जब देखना देख सकता है, और ये रिकॉर्डेड मेरा नहीं है, शायद आज तक का ही है। तो उसमें गुरनाम सिंह राजेवाल, एक हरियाणा, एक पंजाब और यूपी महाराष्ट्र, बाकी ज़रूरत नहीं, हम लोग से रिप्रिंट कर रहे थे। तो राजेवाल जी ने कहा कि आप मेरे कहने पे एक काम कर लो, बताइए, एक आदमी और ले लो तो 5 हो जाएंगे, कर लो। तो योगेंद्र यादव का नाम राजेवाल जी ने दिया, जो हमारी टीम का था उनका नाम वहाँ से दिया। वेरी वेल, हमें क्या दिक्कत है, योगेंद्र को भी ले लिया। तो 5 मेंबरी कमेटी बन गई। इसकी अगली मीटिंग चंडीगढ़ में होनी थी। जिस दिन चंडीगढ़ में होनी थी, उस दिन मैं तो कोरोना से लिप्त हो गया था, और जब मुझे कोरोना हुआ तो मैंने एक काम किया, मैंने फेसबुक लाइव किया, अपने लोगों से कहा, एक संगठन यूपी का अच्छा खासा हमारा है, मैंने कहा पिछली बार जब दिल्ली आए थे तुम 40-50 हज़ार लोग आए थे, आज मुझे कोरोना है, हो सकता है मैं नहीं रहूं तब तक। मैंने अपना रिपोर्ट भी डाल दी थी उसमें साथ, उसमें मैंने कहा ये मेरा इतना बढ़ चुका है, डॉक्टरों ने उम्मीद खो दी है, अगर मैं नहीं रहूं, ऐसा ना हो कि तुम लोग कहो कि वीएम सिंह नहीं है तो हम भी जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए तुम्हें आना ही आना है, बढ़ के आना है, कि मेरी गैर मौजूदगी के अंदर ये लोगों को एहसास ना हो। ठीक है, ये मेरा कहना ही मेरे लिए गलत था, क्योंकि कुछ लोगों को जिसको लग रहा था कि हम संयोजक बन जाए, ये बन जाए, उनको एक मौका मिल गया कि ये तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब चंडीगढ़ में मीटिंग थी 5 मेंबरी कमेटी, तो मैंने नॉमिनेट किया अपनी तरफ से दर्शन पाल को, ये दर्शन पाल मेरी तरफ से जाएगा, और राजू की तरफ से हमने किसी और को किया था, अब मुझे याद नहीं है। अब वहाँ पर ये लोग गए नॉमिनेशन, मेरा नॉमिनी बन के उसके लिए, जब तक मैं बीमार हूँ भाई बात कर लो, तो वहीं पर ही परमानेंट उनको ही रख लिया गया कि वही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब इनको एक यहाँ से आया संजय अग्रवाल, उस समय थे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, उन्होंने चिट्ठी लिखी पंजाब वालों को कि आप आके हमसे मिलो, क्योंकि वीएम सिंह तो आके मंत्री से मिल के सुना गया कि हमें ये चाहिए, वरना जय हिंद। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा देखो ऐसा है, ये वही संजय अग्रवाल है जिसको आप लोगों ने पहले मना किया था एक बारी, फिर जाना चाहो जाओ, पर अकलमंदी नहीं है, उनसे कहो कि केवल हमें मिलना है तो प्रधानमंत्री से मिलना है या अमित शाह से मिलना है, जो करना है, अगर आंदोलन को रिजॉल्व करना है, और अगर हम लोग इस लेवल पे हैं कि रिजॉल्व कर सकते हैं, कितना किसको जीना है, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन के लिए खेती तो जिंदा करके जाओ यार, नहीं समझ में आई। इन लोगों ने जो है जो भी किया नहीं किया। फिर ये भी मेरा था, जब मैंने आंदोलन तय किया था 27 अक्टूबर को वहाँ से ऐलान किया था रकाबगंज से, जहाँ सरकार रोकेगी वहीं रोकेंगे, कोई बैरियर नहीं तोड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, वहीं बैठ जाओ, नहीं उठो वहाँ से, जैम लगा के बैठ जाओ वहीं पर ही, हज़ारों लोग होंगे हर जगह से, लगा लो, कुछ नहीं होगा। बट बाकी हिस्ट्री आप सबको मालूम है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ नहीं हुआ। उसके बाद में 26 तारीख आई, 26 तारीख में जिनको मैं मना कर रहा था लेने के लिए, सरकार ने उसको डाल दिया था, वही रास्ता दिखा के लोगों को ले गया, उत्तर प्रदेश वालों को, 80 ट्रैक्टर टूट गए, नुकसान बहुत हुआ। मेरे यहाँ का पूरनपुर, जहाँ से मैं विधायक था, वहाँ का एक लड़का जो बलजिंदर आया था, हमारे यहाँ जो आए थे 40-50 हज़ार लोग आए थे उस समय, और वो सब गन्ना किसान थे, गन्ना इसमें नहीं आता, मैं खुले सुर से बोल रहा हूँ, पर वो आए थे कि अगर वीएम सिंह बैठा है हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है गन्ने की 20 साल से, हम भी चलेंगे। वो मेरे लिए आया, उसकी यहाँ डेथ हो गई, ट्रैक्टर ट्रॉली से क्रश हो गया। मुझे लगा हम काई के लिए यहाँ पर आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं, बीमार हैं, या अस्पताल तोड़ने आए हैं। हमने कहा ये, और जहाँ तिरंगे की बात आई, अपमान की बात आई, हमने कहा भाई मेरी वैसे तबीयत खराब है, इस चीज़ में मैं नहीं हूँ। लड़ाई हमारी MSP की लड़ाई हमें
उस भी आप देखोगे उस दिन भी मेरी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एमएसपी की लड़ाई हमारी लागू रहेगी, चलती रहेगी, अपने अपने गांव के अंदर एमएसपी के पाँच पाँच दिन अमरण अनशन करते रहो, तब भी मैंने कहा था। तो ये तो उसका था। और अब जो है, जब ख़त्म कैसे हुआ नहीं हुआ छोड़िए, ये अनुमान लगा सकते हैं आप भी और मैं भी, ना आप थे ना मैं था। पर अब जो है एमएसपी गारंटी का मोर्चा जो है, अब हमने जहाँ जहाँ हमें लगा कि जो जो लोग इसमें लिप्त थे या ख़राब कर रहे थे, बेशक उस समय उनने कहा था कि वीएम सिंह एमएसपी की बात कर रहा है उसको बाहर निकालते हैं, आज वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, पर हमें उनको साथ नहीं लेना है, फिर से आके नाश करें। इसलिए अब जो माहौल है, अब जो चालू होगा एमएसपी के लिए, हम तो कह रहे हैं जो हमारे खिलाफ भी थे, जो चाहते हैं हम गड़बड़ कर रहे थे, आप अपनी एमएसपी की बात करो, हम भी करेंगे। मुद्दा तो वही है ना, माहौल तो बनेगा, आप भी बनाओ हम भी बनाएंगे, क्या दिक्कत है जी। आपने किसान आंदोलन पर भी जानकारी दी और आपने बताया कैसे किसान आंदोलन से आप अलग हुए जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च हुआ, इससे जुड़ा एक सवाल ओम प्रकाश जी का भी लेते हैं। ओम प्रकाश जी सिंह साहब, एक आम चर्चा होती है कि इसमें किसान आंदोलन में कुछ खालिस्तान की फंडिंग थी, और आपके पास भी ऑफर आया था और आपने सीधे मना किया, और उस ऑफर के बाद आप निकल गए बाहर, ये एक चर्चा होती है, उसको मैं चाहूँगा कि एक बार स्पष्ट कीजिए कि क्या मामला था, इस तरह का कोई मामला था या नहीं था। पहली चीज़, आपके मुद्दे पे मैं बाद में आता हूँ। मेरे उठने के बाद, क्योंकि बाकी लोगों की एक योजना थी कि वीएम सिंह कैसे निकाला जाए, जब मैं उठा, जो मैं कह रहा हूँ आप चेक करो ना अगर गलत है सही है, एक ट्वीट आता है बीजेपी की तरफ से, अरविंद मालविया की तरफ से, वीएम सिंह जब चुनाव लड़े तो अपना दिखाया कि 661 करोड़ उनके पास है, 631 करोड़ जो भी था मुझे याद नहीं है, अब 40,000 करोड़ के मालिक बन गए हैं, ऐसे कैसे, मतलब मैं पैसा लूट रहा हूँ ना लोगों का, मैं अकेला आदमी हूँ जो कम से लाखों करोड़ लोगों के घरों में डलवा चुका हूँ। तो ये ट्वीट आया और सुना कि करोड़ों ट्वीट्स निकल के वहाँ से निकल गए, उस पर मैंने जवाब जो दिया पीएम को लिखा, आज तक रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा ये तो शर्म मुझे नहीं, वीएम को नहीं पीएम को आनी चाहिए कि 631 करोड़ का 40,000 करोड़ आपके नाक के नीचे हो गया, एक काम कर दो, मेरा 631 करोड़ मुझे दे दो और बाकी आप अपने पास रख लो, उसको एक किसान ट्रस्ट बना दो, और दूसरा एक काम कर लो कि सीबीआई को एक इंक्वायरी दे दो, जितने किसान नेता हैं देश के अंदर आज उनकी क्या हैसियत है प्रॉपर्टी वाइज, और उनकी हैसियत क्या है, उनके बाबा की हैसियत क्या थी, उनके पिता भी अगर किसान संगठन में थे उन्होंने पैसा तो बनाया नहीं होगा, बाबा की हैसियत क्या थी, जितना पैसा निकलेगा एक किसान ट्रस्ट बना दो, किसान ट्रस्ट को दे दो तो किसान भी खुशहाल हो जाएगा, आज तक रिप्लाई नहीं आया। ये तो चाल की बात है। अब जो आपने कहा फंडिंग की बात, जब मैं गाजीपुर में था लोग आते थे पैसा लेकर, मैं देखना चाहूँगा एक आदमी बोले जिसने एक पैसा भी दिया उस समय, हाँ टोटल 6 लाख रुपए आए थे उस समय, जो आया उनने कहा मेरा 50,000, मेरा इतना, मेरा उतना, विदेश से आ रहे थे। मैंने कहा भाई एक काम करो, एक टीम बना दी, मैंने कहा तुम्हें तार लेना है, बल्ली लेना है, तरपाल लेना है, जो लेना है आप जाइए दुकान से लेके आइए, उनको दीजिए, एक पैसा हाथ में नहीं हो। और बाहर से फ़ोन कुछ आए, और आप मेरा फेसबुक लाइव देखोगे आपको दिख जाएगा, मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा तुम बहुत बच्चे ऐसे हो जो मेरे घर से ही आईलेट्स किया तुमने आकर और विदेश गए हो, आज तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम देना चाह रहे हो, ये पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए लंगर आ रहा है, रहने के लिए जगह है, ये पैसा अपने बहन की शादी के लिए दो, उसकी पढ़ाई के लिए दो, अपने माता पिता के इलाज के लिए भेजो, ये पैसा जो मुझे देना चाह रहे हो $1,000 $2,000 वो पैसा वहाँ दो, ये सब उसमें है आप देख सकते हो। इतना है, जब तक मैं रहा 2 महीने तब तक पैसा वहाँ नहीं चला, बाद में करोड़ों रुपये आया सुनने में आता है, मुझे किसी ने ऑफर नहीं दिया। और जहाँ तक आपने कहा कि खालिस्तान के यहाँ से कोई पैसा आया, कौन सा खालिस्तान, अरे यार यही बच्चे जब यहाँ थे हिंदुस्तान में थे तो बाहर जाने के लिए इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके MSP नहीं मिल रही थी, घाटे का सौदा है, जीविका नहीं हो रही। आज आपको मालूम है गांव के अंदर 50% बच्चे ऐसे हैं किसी बरादरी के हों, सिख हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, हिंदू में किसी बरादरी के हों, उनकी शादियां नहीं हो रही क्योंकि वो नौकरी नहीं कर रहे। तो ये बच्चे जब बाहर जा रहे हैं
वहाँ से जज्बात में भेज रहे हैं। मैंने कहा जब तुम गए थे तब तुम इसमें गए थे कि भाई ठीक है हमें यहाँ नहीं रहना है, अब तुम भेजो तुम्हारे पास है तो ठीक है घर पे भेजो, उनके हालात ठीक करो। और जहाँ खालिस्तान का सवाल उठता है, जब पक्के हो जाते हैं तो खालिस्तान खालिस्तान करते हैं, जब कच्चे रहते हैं तो चुपचाप बैठते हैं और ये नहीं देखते कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ना तुम्हें खालिस्तान से मतलब है, ना तुम्हें पंजाब से मतलब है, ना उत्तर प्रदेश तराई से मतलब है। तुम्हें है कि जैसे होता है ना कि भाई कुछ भी कह दो, आज वीएम सिंह कुछ कहेगा कि भाई ये काम गलत है मत करना, कहेंगे भाई भाई साहब ने कहा गलत है काम तो अच्छा सोचते हैं। अगर कोई शरारती नेता बोलेगा तोड़ दो फोड़ दो तो फट भागेंगे, सोचेंगे बाद में। ये एक हमारी फितरत हो गई है कि सोचना बाद में है, अगर नलायकी का काम है गलत काम है तोड़ फोड़ का काम है तो उसमें फटाफट भागो, और जो शराफत से बात करे आपको रास्ता दिखाए कि यार ये तो ऊँची बात करता है छोड़ो उसमें, तो ना फंडिंग मेरे समय आई। बाद में ज़रूर कहते हैं फंडिंग आई, मुझे कुछ लोग जब मिले कहने लगे भाई साहब कोई रास्ता बताइए, जो लोग इतने मर गए 735 मुझे बताया था, अब 750 कहते हैं, 15 कब गए मुझे मालूम नहीं। मैंने उनसे कहा मैं कहा जितना पैसा आया है ईमानदारी से, मैंने तुमसे पहले कहा था कि अगर मोदी वापस कर लेगा तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला ना। अब जो शहीद हुए हैं जितना पैसा आया है उन घरों में बांट दो, 750 लोगों के घरों में बांट दो जितना पैसा आया है, एक पैसा नहीं बटा आज तक। मैं तो बलजिंदर के घर गया था, बहुत बुरा हाल था उसका, कहीं कुछ नहीं देने को तैयार हैं, सब राजनीति करने को तैयार हैं, हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी हरियाणा ने भी कहा जितने मरे हैं, जब हमने उनसे किसी से कहा हमने कहा यार मैं उसका तो ये हाल है उसके घर में झोंपड़ी है पक्का घर भी नहीं है, तो बोले नहीं हमने हरियाणा वालों को दिया है। अब वो अलग बात है, जब किसकी बात करोगे आप दूसरों को दिया तो देते रहो, ये तो चलते आया मामला। साहब आपने दो लोगों के नाम लिए, एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी का और टिकैत जी का, कई बार आपने नाम लिया, और टिकैत जी का जिस सेंस में नाम लिया तो क्या उन्हें ये माना जाए कि वो सरकारी किसान है, सरकारी किसान नेता है? मैं तो ओपनली कहता हूँ सरकारी यूनियन है वो, तो सरकार आप बताइए, नहीं आप बताइए, मैं विधायक रह चुका हूँ, आज कम से कम इतना मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के घरों में पहुँच चुका उत्तर प्रदेश के लोगों को, और हर गन्ना किसान के यहाँ पिछले 25 साल मेरी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर कम से कम नहीं तो 4 से लेकर 5 लाख रुपया प्रति एकड़ उनको फ़ायदा हो चुका है, और जो कह दे नहीं हुआ है उसको 5 करोड़ इनाम देने को तैयार हूँ मैं, उसके बावजूद मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। अभी आप राकेश आए थे, आपके यहाँ आए होंगे, सिक्योरिटी वाले साथ जरूर होंगे, मतलब ही नहीं हो उनके है, उनके भाई के पास सिक्योरिटी है, उनके उनके बेटे के पास सिक्योरिटी है, सबको सिक्योरिटी है, कैसे मिल गई भाई? आप कहते हैं प्रधानमंत्री को गाली दे, योगी बढ़िया योगी बनना चाहिए, तो सिक्योरिटी तो योगी से मिलती है ना। अब आपने क्या किया है आज की तारीख में योगी के लिए, अभी भी मिल के आए ये लोग, पहले भी मिले, और मैंने तो आपको बताया, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ ना, 23 सितंबर को मिल के आते हैं, योगी ने खुद ट्वीट किया है कि राकेश टिकैत आए थे मेरे पास, आपके पास ट्वीट नहीं हो तो मुझसे मांग लीजिएगा या निकाल लेना, 23 सितंबर 2020 का ट्वीट है योगी का, कह रहे किसान बड़ा खुश है, महिलाएं बड़ी खुश हैं, आज आत्महत्या कर रहा है किसान, खुश है? हाँ किसान नेता खुश हो सकता है जिनको कुछ मिला हो, पर किसान तो खुश नहीं है ना आज। दूसरी बात सिंह साहब, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आए थे, उन्होंने यहीं से एक बात कही कि मैं हरियाणा और पंजाब में लड़ाई लड़के गन्ने का दाम ज़्यादा करवा लेता हूँ, पश्चिम यूपी में खासतौर पर, उनका भी टिकैत की तरफ इशारा था कि पश्चिम यूपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं चीनी मिलों से उनकी सेटिंग है और वो लगातार चीनी मिलों से पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गन्ने का कोई आंदोलन बड़ा नहीं होता और गन्ने का रेट जो है 350 रुपये ही पड़ा हुआ कई साल से वो है, और पहले भी बढ़ाने में बड़ी दिक्कतें आई हैं। आपने क्या ठान लिया है कि मुझसे सब चीज़ निकलवानी है आज? हाँ अब गुरनाम के बारे सुन लो, चलो फिर सुनना चाहते हो तो, अब जब ठान ही लिया है आप तो सुन लो ना, फिर क्या दिक्कत है? यही गुरनाम सिंह है, अगली बार आपके पास आए तो पूछना, वीएम सिंह कह रहा था कि आप वीएम सिंह के घर आए थे कहने के लिए कि हमारे गन्ने का पैसा फंसा हुआ 4-5 साल का इकबाल चीनी मिल पर निकलवा दो, इकबालपुर चीनी मिल है हरिद्वार के पास,
इनका पैसा हरियाणा का फंसा, आज तक फंसा हुआ मिला नहीं। मैंने उनको फ़ोन किया, कहा कि देने के लिए, तो उन्होंने कहा देने को तैयार हैं। फिर इनमें से कुछ लोगों ने कहा नहीं, जिनका हम नाम देंगे उन्हीं का मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई हम करते नहीं हैं, आप समझते क्यों, जो मुझे कोई दे देगा उसका नाम देंगे, वरना नहीं देंगे। और जहाँ तक सवाल उठता है सुनो जहाँ तक सवाल उठता है रेट का, पश्चिम का या उत्तर का या फलां का, भाई गुरनाम सिंह जी जरूर सुनना, ये उसको ये मालूम नहीं होगा कि आज हरियाणा में रेट मिल रहा है तो किसकी बदौलत मिल रहा है। वीएम सिंह सुप्रीम कोर्ट की बदौलत मिल रहा है। हरियाणा में 1996 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कह दिया था कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था कागजू साहब का और बलबीर सिंह चौहान का 12/11/1996 का, जिसमें कहा था कि लखनऊ के पास अधिकार नहीं है देने का गन्ने का रेट, और ये अधिकार दिल्ली का है, वहाँ का रेट था 72 रुपया, यहाँ का रेट था 48 रुपया, एक तिहाई कम होता था रेट। उस समय हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हम भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। फिर हम गए, पूरी लड़ाई लड़ी, तो फिर 20/4/2020 को ये समाप्त हुआ है मामला सुप्रीम कोर्ट से, जो रेट मिल रहा है। वरना पहले लिखा होता था पर्चियों पे, लेन देन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, अगर हार गए तो किसान को वापस देना पड़ेगा। तो उनको तो ये मालूम ही नहीं होगा कि उनको यहाँ रेट जो है, हाँ वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश जो तय करेगा, उत्तराखंड 10 रुपये फालतू देगा और हरियाणा 10 रुपये फालतू देगा। अरे इनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि कहाँ कहाँ गन्ना लगता है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, आंध्रा में SAP होता है या SMP होता है। अरे आंध्रा जो तमिलनाडु का तो SAP अलग होता है, स्टेट एडवाइज प्राइस अलग होता है, वो लिंक होता है 8.5 रिकवरी के साथ, अब 10 की रिकवरी हो गई है, सबका अलग है। महाराष्ट्र का अलग है, उनका एक्ट ही अलग है, कर्नाटका का अलग है, गुजरात का अलग है। सिंह साहब एक चीज, मैं आप गन्ना आंदोलन से पूरी तरह जुड़े रहे हैं, गन्ना किसानों को आपने जैसे बताया कि आपने सन 2000 में राजनाथ सिंह के समय मिले थे। नहीं नहीं, राजनाथ सिंह गन्ना किसान नहीं था, वो धान वाला था। गन्ना किसान का बताऊं, मेरा पहला इंटरव्यू SP सिंह ने 1996 में इसी मुकदमे के बाद, SP सिंह ने आज तक में जब दूरदर्शन में आज तक था तब लिया था। नहीं मैं उसी से जुड़ा, तो आपने वो 1996 और आज 2023 है, ये गन्ना किसानों का एक पीरियड रहा है कि बहुत खराब सिचुएशन में भी रहा 2010 तक, बहुत पोजीशन, शुगर मिले बंद होना, बहुत देरी से पेमेंट होना, और इस बीच में आपको 3 सरकारें मुख्य रूप से रही, भाजपा रही, बहुजन समाज पार्टी रही और समाजवादी पार्टी। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीनों में तुलनात्मक अध्ययन, कि इन तीनों सरकारों में गन्ना किसानों के लिए कौन बेहतर काम किया, चीनी मिल खोलने के, बंद होने के, या पेमेंट के माध्यम से। मैं इस पर आप बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश की, अब गुरनाम का खत्म हो गया कोटा, उत्तर प्रदेश। अब बात आ गई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देखिए बेचारा नेता क्या करेगा, वोट मांगने जाता है तो लोग कहते हैं पैसा कितना दोगे, दारू कितना दोगे। तो पहले था चमड़े का व्यापार था, कानपुर में बंद हो गया। फिरोजाबाद में कांच का व्यापार था, काफ़ी हद तक बंद हो गया। पीतल का व्यापार था, मुरादाबाद में तकरीबन ख़त्म ही हो गया व्यापार। कारपेट का बिदोई वगैरह में था, मिर्ज़ापुर बिदोई में, वो व्यापार भी ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, चीनी। अब नेता जो है, पॉलिटिकल नेता जो है, अगर चीनी से पैसा नहीं लेगा, चीनी मिल से पैसा नहीं लेगा, अगर पैसा लेगा तो लाइसेंस लेगा किसानों को पीटने का, मारने का, वही चलते आ रहा है। और आपने कहा कि पिछले 25-30 साल में किसानों की स्थिति खराब हुई है। नहीं खराब नहीं, नहीं। खराब ठीक, बहुत खराब थी। फिर अभी जो पोजीशन है, माना जा रहा है कि अभी किसान, मैं 2 मिनट में पूरा क्लियर कर देता हूँ आपका कॉन्सेप्ट। 96 से लेकर अभी तक चले, ये बाबा का मत सोचो कि योगी जो इश्तेहार निकालता है उसके ऊपर मत चलो बिल्कुल। अगर आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश ना हो ब्याज देने के लिए, एक मिल पैसा नहीं दे, वो तो इसलिए दे रहे हैं उनको मालूम है 15% ब्याज देना पड़ेगा, उनको लोन मिलता 8% 9% पे, वो छोड़ दो। आज हकीकत देखो, गांव जाके देखो, बेशक रो रहे हैं, मैं खुद चिल्ला रहा हूँ,
पर जिसके पास साइकिल थी मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल थी उसके पास कार आ गई, जिसके पास कार थी बड़ी गाड़ी आ गई, जिसके पास छोटा ट्रैक्टर था जॉन डियर ट्रैक्टर आ गया उसके पास। ये गन्ने की देन है और उसमें देन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी नहीं है, उसमें जो वैरायटी आई है साथ साथ 238 जो कॉम्बोडोर की वैरायटी जो है उससे जो है जैसे 84-36 था 200 के आसपास क्विंटल निकलता था, 200 क्विंटल प्रति एकड़, ये निकलता है 400 के आसपास, तो एकदम फर्क जो पड़ा है वो अलग बात है। अब इतना स्प्रे करना पड़ रहा है उसके अंदर, इतनी बीमारी आ गई उसके अंदर, क्योंकि मेड़ से मेड़ मिल गया है। आपने वही वैरायटी को 15 साल इस्तेमाल कर लिया, 3 साल में चेंज नहीं कर रहे। जो इनके रिसर्च सेंटर्स हैं उनका काम था कि उसको चेंज करना वैराइटीज़ को, सरकार का तो रोल है वो चेंज नहीं कर पा रहे, पर वाह वाह लूट रही है कि हमने पैसा दे दिया या पैसा कर दिया। अब उनका कहना, एक मिनट के लिए, हर चीज़ के अंदर सरकार का कहना होता है, हर सरकार का। आपने पूछा कौन सी सरकार बेहतर है, जब अखिलेश थे आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं याद दिला दूं, 2013-14 के अंदर, 12 में आए थे, 13 में मिल मालिकों ने कहा हम मिल नहीं चलाएंगे, 78 मिलों ने, 78 शुगर मिल्स, प्राइवेट शुगर मिल्स में 95 टोटल थी, उन्होंने दे दिया अल्टीमेटम कि हम शुगर चलाएंगे नहीं, और लॉकअप कर दिया, ताला मार दिया अपने मिलों को। नोटिस मेरे पास सब पड़े हैं, जो आप चाहें देख लें। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम गन्ने का रेट आपको कम देंगे, पिछले साल से भी कम देंगे, और उनका जो था बहुत ही कम था, कि चीनी का रेट कम हो रहा है। हम गए हाईकोर्ट, धनंजय चंद्रचूड़ जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। मैंने कहा था अगर ये नहीं खोलते हैं मिलें, किसान बर्बाद हो रहा है, दिसंबर की बात है, 3 दिसंबर की बात है ये, तो इन्होंने सारी मिलें 3 दिन के अंदर सब खुल गई थी। फिर इन्होंने पेमेंट जब किया तो 280 के बदले पहली बार इतिहास में हुआ कि 260 पहले देंगे और 20 बाद में देंगे। फिर 20 उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि 20 हम नहीं दे सकते, फिर कोर्ट से हमने कह के डिफर पेमेंट 20-20 रुपये का दिलवाया, सरकारी मिलों ने भी दिया बाद में। अगले साल आपको ठीक करने के बदले आप फिर कर रहे हैं 240-240 कर दिया आपने, 40 रुपये फिर दिया। जब कोर्ट ने बाद में ये भी कहा आपको कि आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोर्ट के सामने कहना ये था कि अगर हम गन्ना किसान गन्ना लगाने के लिए लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से लें, दूसरे बैंक से लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लें, कहीं से लें, हमारा लोन चालू हो जाता है सेम डे, हमने खाद लिया बीज लिया, लोन चालू हो जाता है, मीटर चालू हो जाता है, इंटरेस्ट चालू हो जाता है, ब्याज चालू हो जाता है, और हम दे नहीं पाते टाइम से क्योंकि मिल हमें देती नहीं है, मिल तो ब्याज देती नहीं है, हमें ब्याज देना पड़ता है, कहाँ की तुक है। तो चंद्रचूड़ साहब ने उस समय कहा कि आपको ब्याज देना पड़ेगा, यह है 9/1/2014 की बात है, पर सरकार ने दिलवा पाई। और अब मानना कि हम 5 साल से 6 साल से अब मानना में चले हैं, और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो कटेगा ना। किसान को ब्याज मिलेगा जिसको चाहें, जिस सरकार ने चाहें रोकना है तो रोक लें, हर सरकार लेती है पैसा मिल मालकों से। मेरे पास भी बहुत ऑफर आए राज्यसभा के, हम पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि मैं क्या रखूँगा काम है, तो ये सब भूल जाइए। कोई सरकार किसान के साथ खड़ी नहीं है, ऊपर ऊपर से खड़ी है, वोट चाहिए तो मैं रेट भी बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, पर आपका हक आपको नहीं देंगे, क्योंकि हक अगर दे दिया आपका तो आप हमारे काबू में नहीं रहोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे, हमारा थैला कौन उठाएगा, प्रॉब्लम आएगा। सर एक गन्ने से जुड़ा हुआ सवाल और ले लेते हैं नयन। सर उत्तर प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख समस्या रही है, आप शुरू से अंत तक कहते भी आ रहे हैं, आप सड़कों से उठकर अदालतों तक गन्ना किसानों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़े हैं, लेकिन आज भी गन्ना किसानों की स्थिति लगभग एक बराबर है जैसे शुरू से थी, अब तक चली आ रही है, रेट भी बहुत कम है, तो इसका क्या कारण है? पहला कारण यह है कि किसान को खुद समझना पड़ेगा कि उसके साथ दिक्कत है, बीमारी है, उसको बीमारी लगी है उसको। किसान अगर सोचे कि सरकार बड़े प्यार से उसके घर में पहुँचाती रहेगी तो सरकार नहीं पहुँचाने वाली। मैंने आपसे भी बताया हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 2000 करोड़ माफ़ किए अखिलेश सरकार ने ब्याज के, जो कोर्ट ने कहा था। फिर उसके बाद हमने पहली बार इतिहास में कैबिनेट डिसीजन हमने चैलेंज करके खारिज करवा दिए, 2 कैबिनेट डिसीजन थे, खारिज करवा दिए कोर्ट से।
इस सरकार से कहा गया कि तुम निर्णय लो और किसान को पैसा दिलवाओ, इतने भी नहीं किया। जब नहीं किया, जब सरकार नहीं कर रही है तो सरकार के पास क्यों जाते हो? वही है कि गन्ना किसान के पेमेंट नहीं तो वोट नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, इनको है कि अरे 5 साल ये ऐश कर रहे हैं, 5 साल वो ऐश कर रहे हैं, 5 साल ये ऐश कर रहे हैं, किसान मर रहा है। अरे भाई ईब की बारिश को, ईब की बारिश को, इस बात करके वो तो आपस में आराम से बैठे हैं। आप बताओ किस नेता के पास गाड़ियाँ नहीं है, किसके पास घोड़ा नहीं है, उनके पिता के पास क्या था, उनके बाबा के पास क्या था, देख लो ना। और किसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिसके पास 10 एकड़ थी, 3 बच्चे थे, हटके 3-3 एकड़ आ गई, आगे 4 बच्चे हुए 3 एकड़ के, तो 1 एकड़ से भी कम आ गई एक एक के पास। किसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और मिल मालिकों की बात करते हैं, बजाज चीनी मिल जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर था और अखिलेश यादव के, उनका जो MD है, उनके खास दोस्तों में से है, उनकी 2 मिलें थी, एक पल्ली और एक गोला, बहुत पुरानी मिलें थी। इनके कार्यकाल में उस समय, पहले वाले में 2004 के समय, जो भी पॉलिसीज हुई हो इनकी, इनकी 16 मिलें बन गई। मुझे एक किसान बताओ जिसकी 4 बीघे की 16 बीघे बन गई हो। हाँ, 16 बीघे की 4 बीघे रह गई हैं, बेटी की शादी करनी है, बेटे को ये करना है, वो तो हो जाता है, पर एक बताओ ना जिसकी 4 एकड़ की 16 एकड़ बन गई हो या 4 बीघे की 16 बीघे बन गई हो। इनकी इनकी 2 बीघे की, 2 मिलों की 16 कैसे बन गई बताओ। ये इसलिए क्योंकि हम लोग जो हैं वोट देते समय जात बरादरी में वोट देते हैं, जाट है, गुज्जर है, सैनी है, त्यागी है, कुर्मी है, लोध है, हम किसान नहीं है। कृषि प्रधान देश में जिस दिन किसान बन जाओगे उस दिन जो किसान चाहेगा उसको अपना हक मिलेगा। ये हक है किसान का जिसको मारा जा रहा है बार बार जी। एक बार हम किसान आंदोलन से गन्ने पर भी आ गए, लेकिन एक बार वापस मैं किसान आंदोलन पर जाना चाहूँगा। अगर सरकार MSP गारंटी कानून आज बना देती है तो क्या बतौर एक सशक्त किसान नेता VM सिंह तीनों किसान कानूनों को सर स्वीकार करेंगे? देखिए वो तो मोदी जी ने वापस ले लिए, उसकी तो बात नहीं करें अभी। जहाँ तक सवाल उठता है, अगर सरकार MSP गारंटी बिल जो हमारा था उसको लागू कर देती है संशोधनों के साथ, बैठ के बात करके, ये डिप्लोमेटिक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने कहा या यस और नो नहीं चलता, नेगोशिएशन से चलता है। आप कहें, आप बताएं हम कहाँ गलत हैं, हम बताएं आप कहाँ गलत हैं। इतने पढ़े लिखे आप भी नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे हम भी नहीं हैं कि दूसरों की बात ना सुने। उसके बाद में अगर सरकार लागू कर देती है, इतना मैं आपके चैनल से खुल के आज पहली बार कह सकता हूँ, हम पूरा सरकार को सपोर्ट करेंगे उसके अंदर अगर कर देती है तो। और हम मांगेंगे सरकार से ही, जैसे मैंने कहा विपक्ष आज हाँ कर दे कल को ना कर देता है, यही तो 75 साल में हो गया है जी। एक अगला सवाल MSP कमेटी से ले लेते हैं। एक मोदी जी ने MSP कमेटी बनाई, जो किसान आंदोलन जब स्थगित हो रहा था तब ये घोषणा हुई थी कि हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी की कई सारी बैठकें हुई हैं, क्या उस कमेटी से कोई उम्मीद है आपको कि MSP का कुछ होगा, भला होगा, कोई पारदर्शिता आएगी? आपने वो जो कमेटी बनी थी उसका एजेंडा पढ़ा है क्या? शायद नहीं पढ़ा। MSP कमेटी है ही नहीं, वो है कि किसान का सुधार कैसे किया जाए, उसमें MSP एक सब्जेक्ट है। एक वो तो सुधार में तो एक आएगा ना, 3 मेजर एलिमेंट है उसमें MSP एक। ठीक है, हकीकत ये है कि वो जो कमेटी है उन्हीं लोगों की है जो मोदी जी के गुण गा रहे थे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, एक मिनट के लिए मैं तो फिर आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, वो जो गुनी प्रकाश जी हैं, बाकी लोग जो हैं, जो महाराष्ट्र वाले भी हैं, यहाँ के जो भी हैं, आप लोग एक काम करो ना, आप ही लागू करा दो, फवाई आप लूट लो, एक MSP की गारंटी तो दिलवा दो यार। कमेटी तो मेरे हिसाब से, आज कमेटी को कितने दिन हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, एक साल प्लस जुलाई में हुई, 1 साल प्लस हो गया ना, 1.25 साल हो गया, जितनी बैठकें हो गई, बैठकें करने की ज़रूरत क्या है भाई? MSP क्या चीज़ है? MSP वो चीज़ है जिसको नरेंद्र भाई मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने उस समय कहा था मनमोहन सिंह जी को कि ये रिपोर्ट है हमारी कि MSP की गारंटी मिलनी चाहिए, लागू कर दो, रिपोर्ट है ना आपके पास, तो कमेटी काय की? मोदी जी आप जब CM थे तो PM से कह रहे थे लागू कर दो, आप खुद PM है, लागू कर लो ना उसको, अब काय की कमेटी, ढोंग काय का?
तब आप जेन्युइन थे तो अब भी जेन्युइन बन जाओ, या आपको मालूम था कि मनमोहन सिंह भी नहीं करने वाले, आप भी नहीं करने वाले? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जितनी सरकारें आ जाएं, जब तक किसान एक नहीं होगा तब तक यही हाल रहेगा जी। एमएसपी कमेटी से इतर एक आपके निजी जीवन से जुड़े हुए सवाल को लेते हैं संदीप। सर, आप काफ़ी धनवान किसान नेताओं में शुमार हैं ऐसा कहा जाता है, और आपकी कई शहरों में काफ़ी ज़मीनें भी हैं। तो पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली जी की ज़मीन थी, उनके साथ आपका हस्तांतरण हुआ था आपकी ज़मीनों का, कहा जाता है कि मेरा नहीं मेरे बाबा का। जी जी जी, तो कहा जाता है सर कि वो तो 48 मर गए थे, मैं भी उनके साथ, मैं तो पैदा ही बाबा हुआ। सर, कहा जाता है कि उनकी पाकाधिकृत वो ज़मीन जो थी वो उन्होंने ले ली थी, और दिल्ली वाली ज़मीन आप लोगों को दी थी। तो सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि वो मतलब बात सच्ची थी? जहाँ ये अधिवेशन हुआ था 6-7-8 अक्टूबर को पंजाब खोड़ गांव, उसमें जो ज़मीन थी लियाकत अली साहब की थी। मेरे बाबा ICS ऑफिसर थे और बहुत बड़ा नाम था उनका, पर यह था कि हम जैसे नालायक उनके पोते या थे, तो हम लोगों ने जो छोड़ गए थे उसको बेच बेच के खा लिया। पर वो ऐतिहासिक गांव इसलिए है कि लियाकत अली खान साहब के जो ट्रांसफ़र हुआ था, इतिहास में पार्लियामेंट से एक ही एक्सचेंज माना गया था। उन्होंने तो मनवा लिया, बहुत बड़े थे। हमारे बाबा भी एडिशनल होम सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय जब पार्टीशन हुआ था। होम सेक्रेटरी होता था अंग्रेज़, ICS ऑफिसर लंदन से होते थे अपॉइंट, और हमारे बाबा की शख्सियत यही नहीं थी, उनकी थी जो आज साहिवाल गायें हैं वो नस्ल उनकी थी। इसलिए खिताब मिला था सर दत्ता सिंह सर का खिताब इसलिए मिला था साहिवाल के लिए। और जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन की आपने बात करी है, तो मैं जब घर की बात आ रही है, जिस गांव में आप गए थे उस गांव से हरी क्रांति वहां से चालू हुई थी। 1553 सोनालिका और सोना कल्याण 227 WG 227। कल्याण क्या था, इनका गांव था पाकिस्तान में, जो हमारे बाबा का गांव था वो लियाकत अली का हो गया, और उनके नाम पर आज 99 साल हो गए हैं। स्टेशन बना था चक दत्तार सिंह उस ज़माने में, 99 साल पहले, जबकि यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में स्टेशन नहीं थे। मुझे इसलिए मालूम है कि मुझे इन्विटेशन जो आया था कि 2024 के अंदर 100 साल होंगे पूरे उसको, अगर आपने इतनी जानकारी रखी, वो भी आपने देखी होगी। तो वो एक थे, बड़े थे, सब कुछ था, एक्सचेंज है, और प्रॉपर्टीज़ जो आपने कहा कि शहरों में हैं, मैंने खोई हैं, कमाई नहीं है, ये सब बाबा की थी। वो वहाँ पर उनके पास, खैर वो उनकी बात अलग थी, बहुत जो यहाँ पर कुछ नहीं उनके पास था जो वहाँ पर था, और वो पुश्तैनी थे 7-8 पीढ़ी के अंदर, मुझे मालूम है, उसके ऊपर मुझे नहीं मालूम है। और आज ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया था तभी मैं किसानों के लिए कर पाया हूँ। वो अलग बात है कि लोग कहें इसके पास था तो कर लिया, टाटा के पास है, बिरला के पास है, उन्होंने क्या कर दिया। एक दिल में चीज़ होनी चाहिए काम करने के लिए, और वही मैं कहता हूँ कि आज किसान नेता बनना फैशनेबल हो गया है। जो किसान की बात पीड़ा जाने, जिसकी फसल के सामने, जिसकी आंखों के सामने उसकी फसल ओलावृष्टि में, सूखे में, बाढ़ में बर्बाद होती है, उससे पूछो कि उसका दिल क्या करता है। ऊपर बादल गरजता है, उसका दिल धड़कता है, वो तो किसान की बात कर सकता है, किताबें पढ़ के किसान की बात नहीं होती हैं। तो आज जो ये पुश्तैनी चीज़ें चली आ रही हैं, उसी को हम, मैंने मोदी जी को ये भी लिखा था, मैं बताया नहीं, मैंने अब आप बोल रहे हो बता रहा हूँ, मैंने कहा था मेरी अगर संपत्ति बाबा से कम हो गई हो तो मुझे भी वापस कर दो। सर, आपने इस बीच हरित क्रांति का भी जिक्र किया, आपके परिवार का हरित क्रांति में, इससे जुड़ा एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे संदर्शिका जी। हेलो सर, मेरा नाम है संदर्शिका। सर, ये कहा जाता है कि हरित क्रांति में आपका परिवार का काफ़ी अहम रोल रहा है, तो वो कहानी क्या थी हमें ज़रा बताइए। देखिए, एक नारा था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सबको मालूम है। वो क्यों था? वो इसलिए था कि हम लोग PL 480 लाल गेहूँ मंगा रहे थे विदेश से, जो लाल गेहूँ खाते थे। आप लोगों ने नहीं खाई होगी, पर आपके पिता ने, माता ने, बाबा ने खाई होगी। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम था, और 62 के अंदर चाइना के साथ इतना अच्छा नहीं रहा था हमारा वॉर जो था, तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, खड़े हो जाओ। उसी समय हमारे चाचा वो पूरा फार्म यहाँ देख रहे थे, हमारे पिता भोपाल का देख रहे थे, तो उन्होंने
कर कर आके अपने हिसाब से, जो भी मेरे ख्याल पंतनगर से थे, कहाँ से थे, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट उस ज़माने में जो भी थे, मुझे नहीं पता कहाँ के थे, या विदेश से किया तो भी, विदेश तो सब गए थे, उनने भी किया होगा कहीं ना कहीं से, तो उन्होंने वहाँ किया। सर नॉर्मन बॉलन जो 40 साल अंतर्राष्ट्रीय किसानों के अध्यक्ष रहे, जिस फार्म पे आप गए थे उस फार्म पे वो 4 बारी आए, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी शास्त्री जी के बाद, वो 3-4 बारी वहाँ गई, क्योंकि वहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन का एक निकला था ड्वॉफ वैरायटी, सोनालिका सोना कल्याण, जो मैंने नंबर बताया आपको 1553 और 227। और वहाँ से जो है उस ज़माने में लोग बताते हैं, मुझे तो छोटा था, स्कूल में था उस समय, और लोग बताते हैं कि जो 60 पैसे किलो था गेहूँ, वो 200 रुपये किलो बिकता था बीज के नाम से। ये खासियत थी वहाँ की। वो अलग बात है, हर आदमी का मैंने कर दिया मैंने कर दिया, पर इसका क्या था प्रमाण, इसका ये था, प्रेसिडेंट निक्सन हुआ करते थे उस समय यूएस के प्रेसिडेंट। ये बातें अलग हो गई हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, जब आप पूछोगे तो निकलेंगी। ये प्रेसिडेंट निक्सन थे, उन्होंने स्टेट विजिट पे बुलाया था हमारे चाचा को, और 25 कंट्रीज को स्टेट विजिट पे गए थे उस समय वो, कि जो आपने बड़ा काम किया है। पर वो अलग, जैसे मैंने कहा कि इंदिरा जी 4 बारी आई थी, जो प्रधानमंत्री आए तो और क्या चाहिए होता है, उस समय तो बहुत बड़ी बात होती थी प्रधानमंत्री की, अब तो पीएम करके छोड़ दो। पर ये बैकग्राउंड बिल्कुल सही है कि हकीकत में उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन के समय एक योगदान था। किताबों में आपने पढ़ा होगा, जब हम भी छोटे थे, हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते हो, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे आगे, कि दूध की नदियां बहती थी देश के अंदर। पढ़ा है, देखा नहीं, शायद उसमें भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो साहिवाल नस्ल निकली थी 1930-31-32 के अंदर, उस समय देसी गायें जो थी, आज भी और उस समय भी 3-4 लीटर दूध देती थी, और साहिवाल 13-14 किलो देती थी। वो जो परिवर्तन हुआ उससे दूध की नदियां बहने को कह दिया गया। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ठीक है, अच्छा लगता है सुन के, पर मेरा यह है कि उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया, मैं क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से जितना कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। अभी जब बीमार भी था तो मैंने एक दिन ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के कहा कि मैं चल नहीं पा रहा, बहुत बीमार था 8 महीने। तो मैंने कहा कि मेरी सेवा समाप्त हो गई हो तो ठीक है, अगर बच गई हो सेवा, मेरे हिसाब से गन्ना किसान की पेमेंट तत्काल और MSP गारंटी कानून, ये 2 बड़ी मेन चीज़ हैं, तो मुझे बख्श दो। तो शायद बख्श लिया तो मैं यहाँ बैठा हूँ जी। आपने अपने बाबा की बात की, हम एक किसानों के बाबा की बात कर लेते हैं। किसानों के बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब आपको अपना उत्तराधिकारी मानते थे, उन्होंने कई मंचों पर आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित भी किया। मैं वो जानना चाहूँगा कि कैसे उत्तराधिकारी से आप BKU के फ्रेम से बाहर चले गए, और उनके जाने के बाद कैसे UP में किसान संगठन बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत छितरे हुए हैं, ऐसा क्यों है? पहली आपकी आखिरी चीज़ पहले, उनके जाने के बाद यूपी में संगठन कमज़ोर हो गए हैं, ऐसा नहीं। 2012 में उनकी डेथ हुई थी, और आप इतिहास देखें कि 1996 में जब गन्ने का उनके ऊपर दाग लगा था 65 करोड़ का, रमेश भंडारी के साथ, राकेश वाकेश सबका था, तब से ग्राफ गिरना चालू हो गया था उनका। मैंने अपना संगठन बनाया था 2000 में, 8 अक्टूबर 2000 में, तभी 6-7-8 का था आंदोलन। उस समय उनके 96 के बाद बहुत उनके टूट गए थे, अम्बावता टूट गया, फलां टूट गया, सब उनके थे पहले। जहाँ तक मेरा सवाल उठता है, आपने उत्तराधिकारी का कहा, और उत्तराधिकारी उन्होंने मुझे बनाया था। होता क्या था, जैसे एक बारी घर पे आ गए सुबह, उनकी बहन रहती थी ग्रेटर कैलाश में ही, तो सुबह सुबह एक दिन भाई मेरे घर पे, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं नहीं, परिवार है नहीं, तो नौकरी आके खोलते हैं, 7-7:30 बजे आते हैं, पर 6 बजे किसी ने घंटी बजाई। देखा तो मुझसे भी लंबे थे और चौड़े थे, आगे दिखता नहीं था पीछे कौन है, तो वो महात्मा आदमी था, अलग बात है। तो उन्होंने जो है मुझसे कहा, विधायक जी उठे नहीं थे? मैं कहा नहीं उठा था। मैं आइए अंदर बैठिए, बैठे। बोले भी मेरा पिंडा छुड़ाओ। क्या हो गया?
मुजफ्फरनगर के अंदर उनका आंदोलन चल रहा था करीब अंदाज से 15-20-25 दिन पहले का चल रहा था, जिसमें उन्होंने कोलू भी लगा लिया था डीएम के ऑफिस में। बोले भाई अब सरकार नहीं मानती, पैसा नहीं मिलता, पिंडा छुड़ाओ। इसलिए मुझ पर कॉन्फिडेंस उनको था कि जब उनका 96 के अंदर वो आरोप था उनके ऊपर, मैं कोर्ट में जाके मैंने वो आदेश जो है काटजू साहब का, उनके जो आदेश, मैं उसके खिलाफ भी गया, सब कुछ किया मैंने, और मैंने वो पैसा दिलवाया लोगों को। तो 99 में पैसा मिला, वो आदेश आया 99 में। तो इंडिया टुडे में ही 2 पेज का उसमें एक आर्टिकल था लंबा चौड़ा, उनके हाथ में लग गया। तो मेरे पास वो तब भी आए थे और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ससौली आओ, मैं सम्मानित करना चाहता हूँ कि मेरा दाग निकल जाएगा। भाई मेरे हिसाब से तो वो अच्छी आत्मा थी। उनने कहा, मैंने कहा जी आप जब कहोगे मैं आऊँगा। मैं गया, पता नहीं रिकॉर्डिंग है या नहीं है उस बात की। ससौली के अंदर जो रोड जाता है अंदर जाने के लिए, डकैत साहब वहीं खड़े थे, कम से कम नहीं तो 150-200 झूठा बोगी लेकर, झूठा बोगी समझते हैं आप लोग, और जो ट्रैक्टर भी थे, कुछ गाड़ियाँ भी थीं। उन्होंने मुझसे कहा जी गाड़ी से उतरो अपनी और मेरे साथ झूठा बोगी में खड़े हो। उस महान आत्मा ने पहली बार शायद ज़िंदगी में नारे लगाए थे, वीएम सिंह जिंदाबाद, और लगाते गए वो नारे। और इतनी खुशी थी उनको उस समय कि भाई मेरे एक दाग था, ये 65 करोड़ का क्या था कि 70 रुपये हमने कोर्ट से कराया था और फिर 2 रुपये की लड़ाई बाद में लड़ी थी। इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि नहीं वो रमेश भंडारी के साथ क्या क्या हुआ है, तो 65 करोड़ पे कौन ले गया, उस जमाने 65 करोड़ बहुत होते थे। तो वो उनकी शुरुआत थी। फिर जब घर पे पहुंच गए 2003 में, उन्होंने कहा भी मेरा पेंडा छुड़ाओ। फिर उसके बाद में मैंने उनसे कहा फिक्र मत करो मैं आता हूँ। मैं मुजफ्फरनगर फिर गया और मैंने लोगों से कहा कि भाई मेरी जिम्मेवारी, मैं पैसा दिलवा दूँगा कोर्ट से। और मैंने सबसे हमेशा कहा था कि भाई आप करते क्या हो, चक्का जैम, रेल रोक दो, ट्रक फूंक दो, गाड़ियाँ फूंक दो, बसें फूंक दो, किसका नुकसान है, आपका नुकसान है ये। तो लोगों को समझाने की कोशिश की, तो थोड़ा पढ़ा लिखे होने के कारण थोड़ा मैंने अपना फर्ज सोचा कि लोगों को बताने की ज़रूरत है, बताया। वहाँ भी हमने लोगों से कहा मैं दिलवा दूँगा, दिलवा दिया पैसा। वहीं एक चीज़ टिकैत साहब से हट के बता रहा हूँ, शामली में आज भी धरना चल रहा है, करीब हो गए 45-50 दिन हो गए पेमेंट के लिए। यही धरना चला था आज से 2016 की बात है, शामली में थाना भवन नहीं, ऊन मिल के ऊपर धरना, जिसमें नरेश टिकैत उस समय बने थे, 12 के बाद बन गए थे अध्यक्ष, वो भी थे, पंकज मलिक थे, वो विधायक थे, अब भी विधायक हैं, उस समय बीच में नहीं थे, उस समय विधायक थे, और जो वहाँ के जो गन्ना मंत्री अभी थे सुरेश राणा, वो भी विधायक थे, वहाँ बैठे थे 1 महीने से। तो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे आप आ जाओ, क्योंकि दिवाली आ रही थी 2 दिन बाद, तो धनतेरस पे मैं गया था 2 दिन पहले, उनके हाथ से सब निकल गया था, क्योंकि मिल मालिक ने चीनी बेच दी थी, पैसा खा गए थे, और बैंक ने कहा था कि जो चीनी बची है उस पर हक हमारा है, कोर्ट से आदेश ले आए थे, बैंक ऑफ इंडिया था, आदेश ले आए थे। मैंने उनसे कहा जाके, सबका किसान बैठा था, दिवाली पे ही बैठेगा क्या करेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो मैंने उनसे कहा था अपने अपने घर जाओ और मैं जिम्मा लेता हूँ कि इस आदेश को खारिज करा के नया आदेश ला के आपका पैसा आपको पहुँचाएगा। तो आपको याद है कोर्ट ने आदेश दिया था कि चीनी पे पहला हक किसान का रहेगा, बैंकों का नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी चंद्रचूड़ साहब ने वो दिया था वहाँ से, और वो फिर अपहोल्ड, यहाँ दत्तू साहब ने, चीफ जस्टिस ने अपहोल्ड कर दिया था उसको। तो वहाँ पर उसका पैसा दिलवाया, तभी सुरेश राणा जीते अगला चुनाव, नहीं तो जीतते भी नहीं वो। ये बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, और इसमें जो है मेरे ख्याल से, और टिकैत साहब का जहाँ तक सवाल उठता है, मैं पहले भी मानता हूँ, मानता था उनको, आज भी मानता हूँ, वो एक आत्मा अलग थे, पर उनकी विरासत में जब मुझे बनाया गया और मैंने देखा कि आर पार की लड़ाई हर कहीं हो रही है। ये आर पार क्या होता है भाई, आर में एक धरना देगा, पार में एक पैसा लेगा, दोनों मिल बांट के खाएंगे। नया फार्मूला नहीं, यही पुराने बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा वहाँ हरिद्वार में आंदोलन हो रहा था, तो मैं वहाँ गया,
तो मैंने उनसे, राकेश और युद्धवीर ही लेने आए थे मुझे दिल्ली से, तो मैं गया, मैंने कहा सकैत साहब मेरे बस का नहीं है, यह आर पार की लड़ाई मैं नहीं कर सकता, तो मेरे बस का नहीं है। बोले फिर के होगा संगठन का? मैं कह, ये बैठा ना राकेश, बोले ये तो सिपाही है। मैं कह नहीं, इसको लगाओ, इंचार्ज बनाओ। इसको मैं खुद लेके गया पीलीभीत, पहली मीटिंग मैंने कराई इसकी। मुझे गुस्सा इसी बात का है कि जिस चीज़ पे आपको चलना चाहिए था आप किस चीज़ पे चल रहे हैं आपको मालूम होगा, पर आज ये तो नहीं तकैद साहब ने सोचा होगा ना कि दिल्ली का धंधा भी ख़त्म करा देगा, लखीमपुर खीरी का भी करा देगा, पहलवानों का भी करा देगा, ये तो नहीं सोचा होगा ना उनने। वो गलती मेरी है, उनने मना किया था कि नहीं नहीं बनाना, मैंने कहा नहीं आपके घर का है तो उसको बनाओ, मुझे क्यों बना रहे हो। तो उत्तराधिकारी की बात जो है दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पे छापा था जब तकैद साहब पीलीभीत आए थे, पीलीभीत में डिक्लेयर किया था उन्होंने। उस समय एक सहारा टेलीविज़न भी होता था, अब पता नहीं है नहीं है, उसने भी खूब छापा था उस समय लंबा चौड़ा। तो ये पुरानी बात। आपके ज़िंदगी संस्मरण से जुड़ा एक सवाल लेते हैं संध्या। सर, जब किसान आंदोलन चल रहा था हमने देखा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा उसमें थे, आपका एक प्रमुख चेहरा था, लेकिन सवाल ये था कि उस दरमियान आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बातचीत हुई जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठ रहे थे? मैंने मोदी जी को आज तक देखा तक नहीं है फिजिकली, टीवी पे जरूर देखा है। वो आपको गलतफहमी है, वीएम और पीएम बहुत अलग अलग हैं। मेरा नाम वीएम है, वो पीएम है देश के, फ़र्क है, कोई समानता नहीं है, ना ही मिले हैं। समानता कुछ होगी तो अलग बात है, मिलने का तो मतलब ही नहीं उठता। और अगर जैसे मैंने कहा मैं मिलना चाहता था उस समय जब उनके यहाँ से फ़ोन आया था मुझे 30 सितंबर की मीटिंग जो मैंने बताई थी, तो मैंने कहा था कि या तो प्रधानमंत्री से या अमित शाह जी से, तीसरे से मिलेंगे नहीं। फिर उनने कहा अमित शाह जी तो बीमार हैं, मेधांता में थे, कहाँ थे मैंने बताया, तो उनने कहा कि नहीं आप राजनाथ सिंह जी से मिल लो। तो राजनाथ सिंह जी के यहाँ मीटिंग हुई थी 1.5 घंटे की। हम तो चाहते थे मोदी जी को मिलना, पर मुझे कहा गया कि मोदी जी मिलेंगे केवल 5 मिनट के लिए। तो मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर टाइम देता है 5 मिनट तो जो हमसे कहेंगे नहीं आ हमारी बात मानो, हमें माननी पड़ेगी। हमें चाहिए 1 घंटे का टाइम कम से कम। तो 1.5 घंटे का टाइम हमें मिला था राजनाथ सिंह जी के साथ, उनसे वार्ता हुई थी 30 सितंबर 2020 को राजनाथ सिंह जी के घर पर ही उनके कॉन्फ्रेंस रूम में। एक सवाल साइम। सर, इस बार क्या पीलीभीत पहुँच रहे हैं? मैं पहचान रहा हूँ तुम्हें। देखो ऐसा है, कितना धोखा और खाएं तुम खुद बता दो मुझे, तुम पीलीभीत से हो ना, कितना धोखा और देना चाहते हो मुझे आप बताओ। किस परिवार में मैंने फ़ायदा नहीं किया? जब किसी को वहाँ प्रॉब्लम आया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैं गया, सुप्रीम कोर्ट में मैंने सीबीआई, दो दो सीबीआई इंक्वायरी कराई जो करा नहीं पाते लोग वहाँ पीलीभीत के लिए, सब कुछ किया। और जब चुनाव लड़ा तो कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं जात बरादरी में जा रहा है, किसान किसान बनता नहीं है। तो सर मान लें कि पीलीभीत के लोगों की मतलब हमारी किस्मत ख़राब है कि वीएम सिंह को हम अपना नेता नहीं बना पाए? आपके पास ऐसे नेता हैं, देश के नेता हैं, 30-30 साल से आपके ऊपर राज कर रहे हैं, जो मैंने ना होते हुए भी कर दिया पीलीभीत के लिए। बड़ी लाइन जो मैंने बात करी अपने बाबा की के 99 ईयर्स पहले उनका स्टेशन बना पीलीभीत में, छोटी लाइन थी, वो छोटी लाइन आज से 125 साल पहले बन गई थी, बड़ी लाइन कोई करा नहीं पा रहा था उसको। 2007-06 में हमने पीलीभीत में स्टेशन पे आंदोलन जो किया था, अगर आप बहुत छोटे थे आपको याद होगा, स्टेशन पे आंदोलन किया था 15 अगस्त को, ऐतिहासिक आंदोलन था। और उसके बाद में हमने सोनिया, मैंने उस दिन कहा था मैंने सोनिया जी से बात की है, अगर हमारी बात मान लेते हैं ठीक है, नहीं मानती हैं तो लखीमपुर खीरी, खीरी से भी 6-7 बसें आई थी उस समय, हमने कहा हम मिलकर इसको आंदोलन को बड़ा करेंगे, क्योंकि उससे पहले ही धान का आंदोलन हो चुका था आपको याद होगा, वो तो जितने बच्चे छोटे थे आपको याद होगा धान का बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था कि 250 किलोमीटर में एक परिंदा नहीं घुस पाया था, और खाने पीने का सबका इंतजाम किया था 7 दिन हमने। तो उस समय जो था, फिर मेरे चुनाव के अंदर 2007 में पहली बार इतिहास में प्रधानमंत्री किसी तहसील में गया था और वहाँ बोल के आया वीएम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी से कहा कि हमें ये बड़ी लाइन करनी है, मनमोहन सिंह जी ने कहा, मैं इसलिए लहजे में बोल रहा हूँ कि बड़ी लाइन करनी है। सोनिया जी ने मुझे भेजा, मैंने लालू जी को कहा, और जो लाइन फेल हो चुकी थी उसको हमने पास कर दिया, आपका काम चालू हो जाएगा। बहुत बड़ा काम था, पर वो क्या हुआ, नेताओं ने बाद में कहा हमने करा दिया, हमने करा दिया, और पीलीभीत के लोग ताली मारा, बढ़िया काम करा दिया जी आपने, बढ़िया। जो है जो दिखता है वही बिकता है,
हमें काम करने की आदत है, ढंडोरा पीटने की आदत नहीं है। आज जितना मैंने कह दिया है आपके सामने, शायद इतना मैंने कभी बोला भी नहीं होगा। सर तो ऐसा क्यों है, एक थोड़ा कड़वा सवाल ये है कि सर मेनका जी में आप में क्या ऐसा, मतलब बीच में क्या दरार है जो भर नहीं पा रही है? शायद अगर आप दोनों मिलकर पीलीभीत के लिए करते तो एक बड़ा पीलीभीत में बदलाव हम देख सकते थे। मुझे बताओ कौन से घर में हमने फ़ायदा नहीं किया पीलीभीत में? हर घर में किया सर, बस ख़त्म हुई बात। देखो उनको कुत्ते बिल्ली से प्यार है, मुझे किसानों से प्यार है, यही दरार है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे सर, थोड़ा सा निजी सवाल है, आपने शादी क्यों नहीं की? इसके साथ समापन करेंगे, उम्मीद है कि पूरा जवाब देंगे, विस्तार से देंगे। ऐसे करो, पहले यही सवाल पीएम से करो फिर वीएम से करना। पीएम ने तो शादी की थी सर, पीएम ने तो शादी की थी। नहीं की बात है, की नहीं की, की बात। अब ऐसा है कि अब मेरे भी स्केलेटन ढूंढ लो कहीं आसपास, ऐसा है नहीं। पर देखो हकीकत यह है कि अगर शादी कर लेते उस समय जब मैंने चालू किया था, 32-33 साल की उम्र में विधायक बन गया था, जो काम हमने वहाँ किया था, 4 घंटे में सरकारी मिलों से गन्ने का पेमेंट, नेपाली नसबंदी रोकना, नेपाल से लड़कियों को लाया जाता था, उनकी नीलामी होती थी देश के अंदर, टाइम मैगजीन ने कवर किया उसको, 1994 में सितंबर में टाइम मैगजीन ने 2 कंसेक्टिव इशूज में कवर किया। अब तो ठीक है, पैसा दो छप जाओ कहीं भी, जो जो हमने काम किए विधायक, शारदा नदी का रुख बदल दिया, शंकराचार्य जी ने अपनी माँ के लिए किया था तो रुख बदल गया था नदी का, पहली बार नदी 4 किलोमीटर बदला हम लोगों ने कार सेवा करके लोगों के साथ, 5-6 हज़ार मुझे पीलिया हुआ था उस समय डट के। तो अगर मैं शादी कर लेता तो मैं ये काम नहीं कर पाता। आज मैं मानता हूँ कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, अगर शादी कर लेता तो 2 बच्चे होते 3 बच्चे होते, अगर परिवार नियोजन को पार कर देते 4-5 हो जाते, पर आज करोड़ों बच्चों को मैं कम से कम कुछ दे रहा हूँ, उनकी जीविका के लिए, उनकी जीविका के लिए कम से कम जो मैंने किया है करोड़ों बच्चों को मैं अपना मानता हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ। ये तो आज मेरे पास इतना आज भी है कि मैं 10-20 साल जितने बचे हों नहीं बचे हों आराम से रह सकता हूँ, मैं क्यों जूझूँ आज? आज फिर आप कहोगे राकेश की बात करता है, राकेश ने कहा था कि वीएम सिंह आंदोलन से इसलिए उठ गए क्योंकि डर गए थे FIR हो रही है। जितने मुकदमे पीलीभीत में मुझ पर हुए शायद राजा भैया पे भी नहीं हुए होंगे इतने। और पिछले महीने जब मैं बीमार था, उठ नहीं पा रहा था, 3 बारी मेरे NBW वहाँ पर हुआ, मैं फिर गया वहाँ पर तुड़वाने के लिए NBW। और जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, पहले नाम सबसे पहले मेरा ही था उसमें, FIR में पहले हो चुका था, वो तो रात में हुआ था, जब भी हुआ था मेरा नाम उसमें था और रात भी है। पर और देखो ये चीज़ें जो है ना, शादी की आपने बात कही है, मैं बीच में इसको ले आया तो इसमें थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूँ। और आंदोलन और FIR की बात जब हुई, FIR कहाँ हुई थी? दिल्ली में, दिल्ली ने FIR की थी। वहाँ पर जब पुलिस गई थी उठाने के लिए हमारे उठने के बाद, कहाँ की पुलिस गई थी? UP की पुलिस गई थी, 2000 पुलिस वाले गए थे, एडिशनल कमिश्नर राजीव अग्रवाल से लेके कमिश्नर तक सब नीचे थे। कहाँ बैठे थे? यूपी में। दिल्ली पुलिस साथ थी? नहीं थी। फिर काय का सरेंडर? आप सब भाग रहे थे सरेंडर करेंगे, सरेंडर तो करते उसी पुलिस के सामने ना, तभी सरेंडर हुआ नहीं, 2000 पुलिस वाले वापस चले गए, नेता बना दिया। ये सब चीज़ें हैं, पर वही अब बात पे वापस आएँ, मुझे अच्छा लगता है कि आज मेरे पास जहाँ लोग बाहर भी भाग रहे हैं, बच्चे बाहर भाग रहे हैं, जिस बच्चे को मौका मिल जाए आज बाहर भागने को तैयार है। बाप से कहते हैं, बाप कहता है ना, बेटा लाइट आ गई है, मोटर चलाया जरा, खेत में पानी चल जाएगा। बोले ज़मीन बेच दे, बोले ज़मीन बेच दे, पुछते नहीं है, तेरे को देखे जाऊँगा। बोले देखे जाएगा ठीक है, पर बता मरेगा कब, मैं तो बेचने को बैठा हूँ। ये एटीट्यूड हो गया है आज इस देश में। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सारे के सारे, सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, आंदोलन होगा नहीं होगा, अरे जो आज के बच्चे हैं, आगे के बच्चे भविष्य हैं, उनकी जीविका के बारे क्या देख रहे हो? नौकरी तो मिलती नहीं है किसी को, ना ही मिलेगी। नौकरी पे देख लें एक मिनट, अब पीलीभीत लगा लो, पीलीभीत में अगर मेहरबान हो जाए मोदी जी और योगी जी दोनों, 10 बड़ी फैक्ट्री लगा दें, जो आज तक एक बड़ी फैक्ट्री नहीं लग पाई, 10 बड़ी फैक्ट्री लग जाएँ, 500-500 करोड़ की फैक्ट्री लग जाएँ,
एक तो इनके पास 5-6 हज़ार करोड़ होगा नहीं एक जिले के लिए, पर लगा दिए इन्होंने। कितनों को नौकरी दे देंगे? 300-400 लोग नौकरी में आ जाएंगे, वो भी बाहर से लोग आ जाएंगे, जिले के नहीं आएंगे। एक फैक्ट्री में 300-400 लोग आएंगे, 10 फैक्ट्रियों में कितने आ जाएंगे? 3,000-5,000 मैक्सिमम। और MSP गारंटी दे देते हो अगर आप, तो कम से कम 3-4 लाख लोगों को एक जीविका मिल जाएगी। तो इसलिए वही है कि शादी करें नहीं करें, पर ये परिवार भी एक पूरा हमारा परिवार है, किसान परिवार है। किसान परिवार फले फूले आगे चले, यही मेरी इच्छा है और इसी इच्छा के साथ ऊपर जाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। आप किसानों के लिए जितने लोकप्रिय हैं, लेकिन मेनका गांधी से अदावत भी आपकी उतनी पुरानी रही है। आपकी, बताया ना भी आपको। आपकी वो बहन है, क्या कोई गुंजाइश है कि मेनका गांधी वरुण गांधी से आपके संबंध फिर मधुर होंगे, या कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर ऐसा रिश्ता होगा कि किसी मोड़ पर आप जब मिलेंगे तो मुस्कुरा के मिलेंगे? शायद मुस्कुरा के मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। पर जहां मुद्दों की बात आती है, अगर आप अपने वहां के लोगों को, 5 मिले हैं हमारे पास वहां चीनी मिले, पिछले बार भी हमारे लोग, मैं बीमारी में गया, लेट के गया बरखेड़ा चीनी मिल में जब पैसे मिले, मकसूदापुर सईद पे है वहाँ भी हमारे लोग जाते हैं, बजाज की 2 मिले हैं, बाकी हमारी मझोला चीनी मिल है जो बंद है आज, कितने साल से बंद है? 15-20 साल से बंद है। जब आप कुछ करते नहीं हो किसानों के लिए, तो फिर हम लोग कहाँ से, एक मीटिंग पॉइंट भी तो होता है ना। अच्छा, मेरी दिलचस्पी कुत्ते बिल्ली में नहीं है, इंसानों में है, किसानों में है। जो तो मीटिंग पॉइंट नहीं होगा तो शायद वो करीबी नहीं आएगी। पर जैसे आपने कहा कि मिलेंगे तो मुस्कुरा के मिलेंगे, बिल्कुल आपके कहने पे जहाँ मिलेंगे मुस्कुरा के मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ VM सिंह जी थे। VM सिंह जी से हमने खेती किसानी से जुड़े हुए, उनके निजी जीवन से जुड़े भी तमाम विषयों पर बात की। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा सर, आप किसान तक के मंच पर आए, इतनी विभागी से आपने बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात आम आदमी तक पहुँच जाए तो आपका और भी शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।